हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपका चैनल ठाकुर कैपिटल में। टेक्निकल चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कैसा रहा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस और क्या हो सकता है कल के दिन। अगर हम लोग देखें तो आज मॉर्निंग में गैप डाउन रहा निफ्टी में। अगर देखें तो हम लोगों ने कल बात की थी कि प्रॉपरली एक सैंडविच पैटर्न बनाता हुआ, मतलब एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्रॉपरली जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो कल बात की थी, आज एक देखें तो एक प्रॉपरली हायर लो एस्टेब्लिश किया है आर्ली कैंडल्स पे, ऐसा देख के लग रहा है निफ्टी के चार्ट्स को। जैसे कि हम लोग देखें, एक ये लो था, एक ये लो था, एक ये लो था और एक ये हाई था, हम लोग ये कह सकते हैं। मगर एक हायर लो एस्टेब्लिश यहाँ पे किया है आज निफ्टी ने, मतलब निफ्टी ने अपने प्रीवियस हायर लो को, ये चेक कर सकते हैं, ये जो लो है वो है 14,765, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज का जो लो है वो है 14,471, तो ये देख सकते हैं 6 पॉइंट की वजह से आज एक प्रॉपरली हायर लो एस्टेब्लिश किया निफ्टी ने। उसके बाद जो आज का लो था उस लो को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी वापस अप ट्रेंडिंग हो गया और उसने वापस नीचे से ब्रेक नहीं किया, तो एक हायर लो एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो रैली आई थी उसका एक रिट्रेसमेंट आया है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट की बात किया, हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के चेक कर सकते हैं कि एक जो कहां तक रिट्रेसमेंट किया है, तो ये देख सकते हैं हम लोग कि आज 0.23% के ऊपर क्लोज किया है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखता है हमको। डेली कैंडल में देखें तो डेली कैंडल में ये देख सकते हैं कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं कि ये बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। मगर यहाँ पे देखें तो जिस तरीके से बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से मगर लोअर लेवल थे, एक बायर ने एग्रेसिवली बाइंग की है, तो ये हम लोग पॉजिटिव सिग्नल देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इस कैंडल का 13 मई के कैंडल का हाई ब्रेक होता हुआ भी देख सकते हैं। अगर आज हम लोग देखें तो 850 का लेवल है जो क्लोजिंग का है 14,850, और आने वाले टाइम में 14,966, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी इसको ब्रेक करने के बाद एक फिर 15,050 के लेवल तक जा सकता है, जैसा वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें तो इस वीक में 27 पॉइंट प्लस है, मतलब देखें तो प्रॉपरली एक गैप अप ओपनिंग थी मंडे के दिन और आज के दिन गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसकी वजह से 27 पॉइंट फिर प्लस दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रॉपरली एग्रेसिव है निफ्टी, एक प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग आप हम लोग देख सकते हैं, प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है। यहां से लेके यहां तक कितना अप ट्रेंडिंग है ये हमको देखने लिए मिल रहा है। अगर हम लोग मंथली कैंडल्स पे देखें तो मंथली कैंडल्स पे इस मंथ में अभी तक 219.5% प्लस है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग ने कल देखा था कि एक प्रॉपरली हायर लो एस्टैब्लिश किया है और कल का जो मूवमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर जाएगा, मगर आज एक गैप डाउन हुआ और बैंक निफ्टी ने भी एक हायर लो एस्टैब्लिश किया, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस हाई लो ये पकड़ सकते हैं, मगर इस लो को ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग है वो ऊपर दी है बैंक निफ्टी ने, और यहाँ पे हम लोग देखें तो वापस एक इसी जोन में ट्रेड करता हुआ हमको दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने 32,600 ब्रेक नहीं किया तो हम लोग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी को एक 33,400 के लेवल्स पे देख सकते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं आर्ली कैंडल्स पे, अगर डेली कैंडल्स पे देखें तो पिक्चर और थोड़ी सी क्लियर होगी। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली हाई बनाया, एक हायर लो था, फिर इस रैली का जो हाई है आज एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने मिला, और रिट्रेसमेंट के भी बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी वहां से नीचे नहीं गए हैं, वहां से ऊपर आए हैं, मतलब बायर्स ने उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है, मतलब जो गैप डाउन हुआ। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे इस वीक में मतलब 32 पॉइंट से माइनस है बैंक निफ्टी, और मंथली बेसिस पे अभी तक देखें तो 90 पॉइंट प्लस है। अगर हम लोग निफ्टी ईएमएस पे देखें तो यहाँ पे हम लोग 200 और 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है आर्ली कैंडल्स पे। उसी तरीके से डेली चार्ट्स में अगर देखें तो प्रॉपरली 50 ईएमए के और 5 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, और एक साइडवेज होता हुआ हमको दिख रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो बॉलिंजर बैंड है वो एकदम सिंक्रोनाइज होता जा रहा है, एकदम छोटा छोटा छोटा, मतलब कोई इसके अंदर मोमेंटम नहीं देखने के लिए हमको मिल रहा है, इसीलिए निफ्टी थोड़ा साइडवेज भी देखने के लिए हमको मिलता है। यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस भी थोड़ा थोड़ा सिंक्रोनाइज होता जा रहा है। यहाँ पे देखें तो प्रॉपरली क्रॉसओवर है ईएमएस का और अप ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पे प्रॉपरली 5 ईएमए के ऊपर है। बात करें हम लोग बैंक निफ्टी में अगर आर्ली कैंडल की बात करें तो आर्ली कैंडल में ये देख सकते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे 200 के ईएमए को प्रॉपरली और 50 ईएमए को प्रॉपरली एकदम कहते हैं कि चिपक गया है और एकदम उसके साथ ट्रेड करता जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग बात करें डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे अगर हम लोग बात करें
डेली कैंडल पे एक गैप डाउन रहा 50 एमए ब्रेक करके, और 5 एमए के और 50 एमए के नीचे है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो वीकनेस है वो हमको देखने मिल रहा है, और यहाँ से शायद बैंक निफ्टी नीचे भी आ सकती है जिस तरह से ईएमएस पे दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे टोटली 325 का क्रॉसओवर है और एक मीडियन का रेजिस्टेंस लेता हुआ हमको बैंक निफ्टी दिख रहा है। मीडियन अगर उनके बीच की लाइन जो है 20 एमए उसकी बात कर रहे हैं, अगर मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पे 5 एमए के ऊपर है। अगर हम लोग एनएससी के आज देखें कि एनएससी में क्या ट्रेड रहा, कौन सी कंपनी प्लस रही, कौन सी कंपनी माइनस रही, कौन कौन सी कंपनी में ज्यादा ट्रेड हुए, कौन कौन सी कंपनी में कम ट्रेड हुए, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और एफआईएस की बाइंग भी समझने की कोशिश करेंगे कि एफआईएस ने वो किस तरीके से मार्केट देख रहे हैं। हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं 3:40 पे, तो शायद इसमें एफआईएस की बाइंग सेलिंग हमको ना दिखे। अगर देखें तो आज 91 पॉइंट माइनस रहा निफ्टी 0.61%, 22 कंपनी प्लस रही, 28 कंपनी माइनस रही। बढ़ने वाले शेयर्स में कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, जितने भी एनर्जी के सेक्टर है उसमें हमको एक ग्रोथ देखने मिला। उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी बैंक, ये सब में हमको गिरावट देखने के लिए मिली। मोस्ट एक्टिव शेयर्स अगर देखें तो टाटा स्टील, भेल, टाटा मोटर सेल और एसबीआई में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड हुई। एसबीआई इस लेवल पे काफी बेहतरीन लग रहा है और ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अच्छा मूव करेगा। भेल अगर देखें तो भेल में 11.20% का तेजी रही। वॉल्यूम और क्वांटिटी सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है। सुजलॉन, पीएनबी, आर पावर और साउथ इंडियन बैंक में भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। एफआईएस के इन्वेस्टमेंट पे देखें तो कल का डेटा है हमारे पास 30 मई का, जिसमें 583 करोड़ का कैश में नेट में बाइंग किया था एफआईएस ने, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। अगर आप आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।